हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल माय नेम इज अभिजीत एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले टॉप फाइव बैक एंड फ्रेमवर्क अगर आपको एक 2023 में एक बैक एंड डेवलपर बनना है तो डेफिनेटली आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए होगा आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो बट जब तक आप किसी फ्रेमवर्क में काफी बढ़िया प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते तब तक ट्वेंटी की बात करें तो जॉब लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप लाइक डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो फिर ठीक है ये जो फ्रेमवर्क है ये मैंने काफी लाइक like, रिसर्च करके एनालाइज करके काफी सारी वेबसाइट्स विजिट करके निकाले हैं सो ऑल दीज फ्रेमवर्क आर क्वाइट गुड लाइक अगर आपको जॉब के परस्पेक्टिव

Uh, जो नंबर वन फ्रेमवर्क निकल करके आता है दैट्स कॉल्ड जावा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आता है दैट्स कॉल्ड स्प्रिंग स्प्रिंग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है हो सकता है कि आपको यूट्यूब पे उतना ज़्यादा हाइप ना मिले ना हाइप आपको नोट जीएस की ज्यादा मिलेगी स्प्रिंग इज वेरी पॉपुलर मतलब अगर आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो वेदर इट्स एमेजोन वेदर इट्स स्विगी वेदर इट्स जोमैटो वेदर इट्स गूगल कोई भी लाइक like, जाओगे एंटरप्राइज लेवल का सॉफ्टवेयर है देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि वो जावा में ही बना होगा स्प्रिंग बूट उसका कह सकते हो फ्रेमवर्क होगा तो स्प्रिंग बूट इज क्वाइट क्वाइट वेरी वेरी पावरफुल ऑल्सो एंड वेरी पॉपुलर ऑल्सो एंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए नाउ कमिंग टू द सेकंड फ्रेमवर्क एंड सेकंड फ्रेमवर्क जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है दैट्स कॉल्ड एक्सप्रेस एक्सप्रेस कह सकते हो एक जावा का फ्रेमवर्क है जो कि आपको एक जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप अपने बैक एंड सर्वर्स को लिख सकते हो दिस इज ऑल लाइक पॉसिबल विद हेल्प ऑफ नोट जीस सो फ्रेमवर्क का नाम एक्सप्रेस है बट कई लोग नोट जीस नोट जीस कहते हैं नोट जेस इज अ रन टाइम जहां पे आप जावा को कंसोल में इस तरीके से रन कर सकते हो बट एक्सप्रेस इज अ फ्रेमवर्क एंड एक्सप्रेस काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड काफी सारी कंपनीज यूज भी करती है बहुत सारे आपको कोर्सेस मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो कि आपको एक्सप्रेस पढ़ाएंगे एंड एक्सप्रेस में आपको जॉब भी काफी ज्यादा मिल जाती है

लैंग्वेज काफी ज्यादा अच्छी लगती है तो फिर आप इस एक्सप्रेस के साथ जा सकते हो बैक एंड डेवलपमेंट में अगर आपको टाइम मिलता है आपको लगता है कि आप आ, काफी कुछ एक्सप्रेस में कर चुके हो तो फिर आप फ्रंट एंड सकते हो, हो गया, गया, गया तो फ्रेमवर्क है, है बहुत पॉपुलर डेट्स जैंगो आपको इतना ज्यादा इंसेनली पावरफुल फ्रेमवर्क है क्योंकि इसके अंदर फीचर्स आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं एंड लोग कई लोग आपको बोलेंगे को इतना ज्यादा स्केलेबल नहीं है जांगो बहुत सारी कंपनीज यूज नहीं करती हैं बट दैट्स ऑल फॉल्स हर एक कंपनी यूज करती है हो सकता है मेजोरिटी ऑफ कंपनीज नोट जी यूज करती हूँ बट ऐसा नहीं कि जांगो यूज नहीं करती है जांगो में भी कुछ बहुत ज्यादा फीचर चीजें हैं जो कि बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं एंड काफ़ी ज्यादा स्टार्टअप में देखोगे तो जांगो बहुत पॉपुलरली यूज होता है एंड उसके अलावा कई कंपनीज जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया हैं वो भी जांगो को काफी इंसान लेवल पे यूज करती हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट में जो कंपनीज हैं अगर हमको फ्री करनी है तो भी आपको

गोलैंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट इसके इसमें आप डायरेक्टली लाइक सर्वर साइड लॉजिक भी लिख सकते हो गिन करके इनका एक फ्रेमवर्क आता है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो बहुत ही बढ़िया मतलब है इसमें आपको कॉन्करेंसी मिल जाती है एंड कई सारी कंपनीज़ जो है वो नोट जीएस से स्विच कर रही हैं गोलैंग में या फिर जैंगो से गोलैंग में स्विच कर रही है, या फिर कुछ उनका पार्शियल जो कोड था जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था बहुत लेट लगाता था, था कि वो चीजें को लाइक डेटा फेच करने में तो वहां पे आप कॉन्सी अचीव कर सकते हो बहुत सारी अलग अलग जो हाईली स्केलेबल चीजें वो सारी चीजें आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गो लैंग गो लैंग बहुत ही बढ़िया और धमाकेदार फ्रेमवर्क है एंड इसमें आपको काफी सारी चीजें मतलब कह सकते हो तो फीचर मिल जाते हैं अगर आपको स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना है कॉन करेंसी मल्टी ट्रेडिंग ये सारी चीजें अचीव करनी है स्केलेबल या फिर पावरफुल एप्लीकेशन बनाना है तो फिर आप गो लैंग के साथ जा सकते हो नेक्स्ट जो लास्ट फ्रेमवर्क है दैट्स कॉल्ड लारवेल हो सकता है कई लोगों को लाइक लारवल पी एचपी का फ्रेमवर्क बट Laravel इज क्वाइट वेरी पॉपुलर अगर आप किसी भी फ्रीलांसिंग एरिया में जाओगे तो आपको पीएचपी बहुत ही ज्यादा धमाकेदार यूज मिलेगा अगर आप अपवर्क पे जाओगे तो मोस्ट ऑफ द जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पी में बने होंगे एंड अभी भी पी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग एरिया है मतलब हो सकती है कई सारी कंपनीज पाइथन जावा ये सब यूज कर रही हो फिर भी आज की डेट में पीएचपी काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड अगर आपको एक फ्रीलांसर बनना है तो फिर आप लारवेल के साथ जा सकते हो इसमें भी आपको मतलब जो फ्रेमवर्क है काफी बढ़िया इसका जो ओ है वो भी काफी अच्छा है एंड टोटल एमबीसी स्ट्रक्चर है मतलब जब आप इसमें कोड करोगे ना तो आपको समझ में आएगा बहुत ही धमाकेदारेमवर है मतलब जब इसको यूज़ करोगे ना हो सकता है कि साउंड ना करो बट इसको लिटरली एक बार ट्राई करना कितना अमेजिंग चीज़ है मतलब आपको एक फिक्स पैटर्न मिलता है जिसमें आपको बहुत इजी हो जाती चीज़ें राउटिंग भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड जो इसका एम कंट्रोलर वाला लॉजिक है वो भी बहुत बढ़िया से काम करता है माइग्रेशन वगैरह हर चीज़ मतलब जो एक मॉडर्न फ्रेमवर्क में होती है वो आपको लारावल के अंदर मिल जाती है तो so ये थे वो टॉप फाइव फ्रेमवर्क जिनको अगर आपको ट्वेंटी में बैक डेवलपर बनना है तो फिर आप ट्राई कर सकते हो एंड आपका इसमें से कौन सा फेवरेट है या फिर कोई मिस आउट हुआ तो उसको आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना एंड इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता रहा हूँ बट एंड करने से पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ सो अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आप न्यूटन स्कूल के कोर्स के साथ जा सकते हो क्योंकि कई सारी कंपनीज आप देख रहे हो कि ले ऑफ कर रही हैं एंड बहुत सारे कह सकते हो स्टूडेंट्स में जॉब लेने की दिक्कत हो रही है एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.6 परसेंट के लगभग आ चुका है ये हो सकता है कि सुनने में बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा हो बट अगर आप लेवल पर देखोगे जिस हिसाब से पॉपुलेशन है जिस हिसाब से डेवलप लाइक जॉब्स हैं उस हिसाब से सेवन एक से बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है बट इन सब चीज़ों को आपको हेल्प मतलब ले ऑफ़ एंड इन सारी चीज़ों से अगर आपको बचना है तो फिर आपके पास राइट right स्किल होनी चाहिए एंड राइट स्किल आप न्यूटन स्कूल के कोर्स में इनरोल करके ले सकते हो न्यूटन स्कूल का जो कोर्स है वो आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बना देता है मतलब आपको एंड टेक्नोलॉजी सिखाएगा आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाएगा एंड उसके बाद में काफ़ी कह सकते हो मेटोरशिपिपिपिपिप दे देगा दे आपको वन टू वन जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है क्योंकि जो एक मैंटोर होता है वो आपको बताएगा ओके okay, यहाँ पे मैं गलत हो यहाँ पे तुम गलत हो यहाँ पे तुम इस तरीके से सही कर सकते हो वो सारी चीज़ें न्यूटन स्कूल प्रोवाइड करता है एंड जो न्यूटन स्कूल का कोर्स की ई जो स्टार्ट होती है वो तो फिफ्टी सिक्स हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होती है सो अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो डेफिनेटली आप न्यूटन स्कूल के लिंक को चेकआउट कर सकते हो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू